कला जिंदगी विच मनुख दा अहम हिस्सा है। कला विच महारत रखण वाला हर मनुख अपनियां कलाकृतियां राहीं समाज विच अपनी छाप छड़दा आया है। इस तरह का एक आर्टिस्ट कलाकार फिरोजपुर जिले की तहसील जिरा के पिंड मंसूर देवा विखे जन्मिया नवतेज सिंह नाम का नौजवान अपने वालों तैयार की निर्जीव कलाकृतियां बोलन लगा दिता है। नवतेज सिंह का कहना है कि समाज में वापर रही कुरीतियों अपन कलाकृतियां राही उजागर करना उसका मुख्य मकसद है। नवतेज का कहना है कि आर्थिक तंगी ने एक बार उसे झिझोड़ के रख दिता सी, पर उसने मेहनत मजदूरी करके लगातार पढ़ना जारी रखा। उसने पुत साध की डिग्री प्राप्त की, उसनों डिग्री कराने में उसके छोटे भरा का अहम योगदान है। उगे पुत साज नवतेज का कहना है कि वह समाजिक कुरीतियों दूर करने वास्ते अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, समाज में चंगी सेध देने अपना रोल अदा कर रहा है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम नवतेज सिंह है जी। मैं एक स्कल्पचर आर्टिस्ट हाँ, पिंड मंसूर देवा तहसील जीरा और डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर का रहने वाला है जी। सो आर्ट दे विच बचपन तो ही शौक सीगा, स्कूल दे समय दे दौरान शुरू किया, करदे करदे हौली हौली अगे वधदे गए, स्टडी दे दौरान चलदा गया, कुछ मुसीबतों का भी सामना करना पिया, माड़े समय का भी सामना करना पिया, हौली हौली चीज़ा चेंज हुई। तो डिप्लोमा किया, आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया, उस तो बाद कुछ समा टीचिंग दे विच भी आए, टीचिंग दे विच किते ना किते सैटिस्फैक्शन नहीं मिली उन्नी, उस तो बाद दोबारा फिर अपनी स्टडी शुरू की थी और मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर तो अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। डिग्री दे दौरान मैं एक स्पेशल फील्ड चुनी, स्कल्पचर फील्ड जिन्हों बोलते हैं, उहदे विच स्टडी दे दौरान सानू विशा मिलता है जिदे ते असीं रिसर्च करते हैं। सो मैं एक विशा लिया, सोसाइटी विशा लिया, मेरे समाज दे विच जो कुरीतियां चल रही आ सो उन्हां दा किते ना किते मन दे विच दर्द सीगा दिखाउण दी कोशिश कर रहे हैं। उस विषय पर रिसर्च की, नशे नूं लै के मैं काम कर रहा है, बहुत सारिया चीज़ा दिखाने की कोशिश कर रहा लोगों नूं कि किस तरह जिहड़ा मेरा पंजाब है जिन्हों सोने की चिड़ी कहा जाता सीगा, अज किस तरह खत्म हो रहा, नशे दे विच खत्म हो रहा है। और उहदे विच कहा जाता है कि सरकारां दा हाथ, सो मैं भी मानता हाँ कि किते ना किते सरकारां दा हाथ जरूर है, लेकिन उस तो इलावा एक चीज़ मैं होर मैनशन करनी चाहवांगा कि सरकारां तो इलावा कि किते ना किते साडे पेरेंट्स दा हाथ भी है। सो पेरेंट्स नू इन्हां चीज़ां ते ध्यान देने की लोड़ है, बच्चे नशे वाल नू इन्ने क ज़्यादा वध गए ने कि अगे रुकण दा नाम नहीं लिया जा रहा और यूथ खत्म हो रहा है। तो अगर मेरे कम्मां वल मैं निगाह मारा तो तुसीं जिन्ने भी मेरे काम देखते हो उहदे विच मैं बहुत सारे कैमिकल का यूज़ करता हाँ, और नशे के जिहड़े मोनूमेंट हैगे या मेडिकल नू लैके जां सिरिंज यूज़ करता हाँ, बहुत सारी इदां दीआं चीज़ां यूज़ करता हाँ, उन्हां नू कंबाइन करके फिगर्स बनाना या फिगर्स नू बना के उन्हां नू असेंबल करके एक कोशिश की जाती है कि उहदे जिहड़े इंपैक्ट ने साडे सोसाइटी ते की पै रहे ने उह लोकां दे सामने रखे जाण, उन्होंने दर्शाया जाए, उन्होंने दस्या जाए कि कितने ना कितने जिहड़ा ये नशा आ जां ये जिहड़ा ज़्यादा वरतों हैगी है जिहड़ी मेडिकल दी वो अंदरों सानू किवें पाड़ रही है। उसके छोटे भरा का कहना है कि उसने अपने वड्डे भरा की पढ़ाई कराने लई मेहनत मजदूरी तक की है। परिवार दे विच जिहड़ा कि आपां पहलां गल कर ही चुके हैं कि बचपन तो थोड़ा जिहा मतलब आर्थिक हालात बहुत खराब सी, फादर साहब की डैथ हो गई, उस तों बाद जिहड़ी पढ़ाई दे विच थोड़ी जिही दिक्कत आई, तो नवतेज ने भी पहला पढ़ाई अपनी छड़ती सी, तो टीचिंग दे विच पए, टीचिंग उन्होंने 3 साल की, फिर दोबारा सोचे भी नहीं अगे कंटिन्यू करना चाहिए है। सो फिर उस तो पहला मैं डीजे का काम किया जी, डीजे का काम करके उन्होंने 3 साल के जो इन्होंने मतलब कि टीचिंग करते रहे, उन्होंने 3 साल के मैं डीजे का काम किया। सो फिर असी पैसे इकट्ठे किए, तो अगे फिर इन्हां दी पढ़ाई है जिहड़ी कंटिन्यू की, इन्होंने जी अपनी डिग्री LPU तो जाके स्टार्ट की, फिर दोबारा तो फिर पढ़ाई शुरू की, तो हौली 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 इदा ही मतलब कम 4 साल मैं पैसे इकट्ठे करके भेज रहे, तो उन्होंने हुण पढ़ाई कंप्लीट हुई है, तो शायद हुण कुछ कोशिश आ भी अगे कुछ चंगा होगा। इस मौके नवतेज की माँ ने जज्बाती होंदिया कहा कि उसके सिर का साई नवतेज के 7वीं क्लास में पढ़द्या ही उसनू संदीवी विछोड़ा दे गया सी, अते उसके लिए बच्चों का पालन पोषण करना अते उन्हां नू पढ़ाउणा एक बहुत वड्डा सवाल बन चुका सी। माँ का कहना है कि उसके पुत ने डिग्री प्राप्त की है, वह एक मुकाम ते कामयाब होया, पर सरकार नू उसकी मेहनत का मुल पाउणा चाहीदा है।
फिर ही उसके मन में सुकून मिलेगा। गरीबी तो बहुत ज़्यादा सी, मैं हूँ मेरे बच्चे पहला बोल चुके हैं तो इन्हों के पापा की डेथ हो गई सी। एक जोड़ा व्डा काका जो काम करता वो सत्तवीं क्लास च से छोटा सगा छेवीं च, उन्हों की डेथ हो गई सी एक्सीडेंट होके कौमा चले गए। कौमा चले गए तो 5-6 महीने मंजे दे पे रहे। हाँ जी बहुत मुश्किल होया, बड़िया तकलीफा वेखिया मैं बहुत जिंदगी दे विच। आपदे बच्चों मेरी इच्छा यह सी मैं पढ़ाउणा जिदा मर्जी पढ़ाउणा, मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष किया इस चीज़ पर, बच्चे पढ़ा ले। मैं कोई भी सहूलत किसी पास्यों नहीं मिली, ना सहुरे परिवार वालों तो ना, चलो पेकी बैठी सी पेकों तो मिलती सी, तो बाकी बड़ी मुश्किल नाल मैं आपदे बच्चे पढ़ाए आ। पर मैं हर एक इंसान नूं यही गल कहनी आ भी आपदे बच्चे पढ़ाओ वधिया, पढ़ा के ते कामयाब करो। अज तुहाडे बच्चे स्टैंड होए? मेरे बच्चे स्टैंड नहीं होए जी। खुशी जड़ी कर रहे हो? हां जी। किस तरह दी खुशी? हजे तां थोड़ा जिहा जी, मैं डिग्री कराई है। हां जी हां जी। मेरे बच्चे नूं हले कोई सहूलत नहीं हैगी जो मैनूं चाहीदी है। मेरे कोले अपना घर भी नहीं हैगा, मेरे कोले अपना घर बनाउण लई नाल मैं जिहड़े पैसे सीगे मेरे कोले कमाई करी जांदा सी मेरा बेटा लोन चक के, ते मैं आपदे बच्चे नूं। इत्थे किथे रह रहे हो तुसी? किवें रह रहे हो? इत्थे इतें तो मैं अपने पेक परिवार के घर ही रह रही हूँ। हाँ जी, मेरे भतीजे आ, ना मेरा माँ प्यो ना मेरा भरा भरजाई है, भतीजा के नाल मैं रह रही हूँ। उन्होंने पल्यों रोटी पानी खानी सारा कुछ, शुरू तो मेरा रुजगार इवें चलता रहा। नवतेज का कहना है कि वह पल्यों पैसे खर्च के अपनी कलाकृतियों लिए काम कर रहा है, पर भविख में उसनों आस है कि उसके प्रोफेशन नूं लोग जानणगे अते इसकी कदर भी पाउणगे। लोड़ है लोगों में इस संबंधी जागृति पैदा करने की। हुण देखना यह होगा कि सरकारां इहो जिहे लसानी आर्टिस्ट की मेहनत का मुल पाउण लई गंभीर हुंदियां ने, जां फिर यह आर्टिस्ट इस तरह अपनी मेहनत करके खाली हथ देखते रहणगे। चढ़दी कला टाइम टीवी लई फिरोजपुर तों सुखचैन सिंह दी रिपोर्ट। सबसक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी नूं ते लेटेस्ट अपडेट पाउण लई प्रेस करो बैल आइकन।